इस सवाल में अपने से पूछा गया है कि अगर एक वायर को, जो कि वायर आपको दिख रहा होगा जिसमें करंट आई जा रहा है, उसको आप खींच रहे हैं या किसी वेलोसिटी से आगे की तरफ भेज रहे हैं, तो उस पे कितना फोर्स एक्ट होगा ये उसके लिए। ठीक है, तो हम लोग जो फोर्स एक्ट करते हैं बेटा, फोर्स एक्ट हो रहा है वो कैसे, तो फोर्स के लिए हम लोग जो मैग्नेटिक फोर्स या यहाँ पर फोर्स लग रहा करंट कैरिंग वायर पे, वो किसके बराबर होता है, वो बी आई एल के बराबर होता है या एल क्रॉस बी के बराबर होता है, आई इंटू एल क्रॉस बी के बराबर होता है। मैग्नेटिक फील्ड आई, ये सब अब हम लोगों को निकालना। देखो बेटा, आई की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कहाँ से, मोशनल ईएमएफ से निकाल सकते हैं। तो करंट अपने पास कितना होगा, मोशनल ईएमएफ जो कि होता है बी वी एल अपॉन रेसिस्टेंस ऑफ द वायर से निकाल सकते हैं। और ये निकालने के बाद अगर आप ऊपर पुट करते हैं, क्योंकि एल और बी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी वी एल अपॉन आर इंटू एल इंटू बी लिख सकते हैं। तो फोर्स कितना आ गया बेटा, फोर्स आ जाएगा अपने पास बी स्क्वायर बी इंटू एल स्क्वायर अपॉन आर के बराबर आ जाएगा। ये आ जाएगा फोर्स ऑन द वायर। ठीक है, देखो बेटा, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन मतलब क्या है कि एक रॉड को सपोज आप पकड़ रहे और उसे रोटेट कर रहे, इस रॉड को पकड़ के रोटेट कर रहे किसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो मान लो यहाँ पर ये हिंज वाला पॉइंट है और इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, तो किसी डिस्टेंस एक्स पे हम लोगों ने डीएक्स एलिमेंट लिया है। अब अपने को अगर पता है, अगर ये ओमेगा है, तो ये वाला जो वेलोसिटी होगा वो कितने के बराबर होगा, वो होगा ओमेगा इंटू एक्स के बराबर होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और डीएल आगे की तरफ है, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, डीएल आगे की तरफ पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वाई की तरफ। ठीक है, तो अगर यहां से हम लोग ईएमएफ लिखे, उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं बेटा, उसको हम लोग लिख सकते हैं बी, उसको हम लोग लिख सकते हैं बी वी और एल लिख सकते हैं। वी के जगह पे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, वी की जगह पे यहाँ पर आप ओमेगा इंटू एक्स लिख सकते हैं और एल की जगह डीएक्स लिख सकते हैं। इस छोटे एलिमेंट के कारण कितना कितना मोशनल ईएमएफ है जनरेट, और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बी ओमेगा को इंटीग्रेट कॉन्स्टेंट लेकर बाहर, एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं जीरो से लेकर एल तक। एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन अपने को पता है कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो ईएमएफ इज इक्वल टू कितना आया बेटा, बी ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर आया, और लिमिट अपने को पुट करना है कहां से कहां तक, 0 से लेकर एल तक। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आई, ईएमएफ की वैल्यू कितनी आई, वो आ गई बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 के बराबर। ये हो गया अपने पास। सिमिलरली कई बार सवाल में बेटा अपने से बोला जाता है कि कोई डिस्क, तो सपोज सपोज अपने पास कोई डिस्क है, मान लो हम लोग कोई डिस्क ड्रॉ कर, तो सपोज ये डिस्क है अपने पास। अब इस डिस्क में बोल दिया जाता है कभी कभी कि ये डिस्क अगर इस सेंटर के अबाउट, अपने सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है ना, ये रोटेट हो रहा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ दे दिया, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दे दिया और ये रोटेट होना स्टार्ट हो, तो ये डिस्क जो रोटेट हो रहा है इसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो होगा बेटा सेम, इसी लॉजिक से सेम आप डिराइव हो सकता है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाता है हाफ पी ओमेगा आर स्क्वायर के बराबर। आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस, इसका जो रेडियस है वो है आर। ठीक है, समझ में आया। इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या बोल रहा है, इस सवाल में बोला गया है अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ एल इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2L एंड मेड टू रोटेट विथ एन एवरेज स्पीड ओमेगा ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया है। विथ वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड इफ देयर इज वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन देन ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ द रॉड इज।
ठीक है, ट्राई करिए इस सवाल को, देखिए और ट्राई करें। अपने पास सवाल में बोल रहा है एक लेंथ रॉड का एल दिया हुआ है और 12 के स्ट्रिंग से वो कनेक्टेड है, तो ये स्ट्रिंग मान लिया और यहां पर रॉड कनेक्टेड है, तो रॉड को दूसरे कलर से रीनोट कर देता हूं। ये रॉड कनेक्टेड है, रॉड का लेंथ अपने पास एल और स्ट्रिंग का जो लेंथ दिया हुआ है, स्ट्रिंग का जो लेंथ दिया हुआ वो है 12, ये दिया हुआ 12, ये दिया हुआ है एल। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है किससे, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। बहुत अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और एक टेबल पे भी रखा हुआ है ये। चलो तो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो इस टेबल पे ये रखा हुआ है, मान लो इस टेबल पे ये रखा हुआ है, ये टेबल पे ये रखा हुआ है और यहां से इसको रोटेट किया जा रहा है इस पॉइंट से। ऊपर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास बी। तो अपने से पूछा क्या गया है कि बताओ बताओ ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा इसके एंड के अक्रॉस। देख बेटा, हम लोगों ने रॉड के लिए वापस एक डीएक्स एलिमेंट ले लिया, कहां से कहां तक, एक्स पे। तो अगर अभी ईएमएफ में बोलूं तो आप क्या लिख सकते हैं, बी वी एल, यानी बी वी के जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, ओमेगा एक्स, और डीएल के जगह लिख सकते हैं डीएक्स। यानी ईएमएफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ओमेगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है बेटा, एक्स डीएक्स। लिमिट की वैल्यू देखो, कहां से रॉड प्रेजेंट है अपने पास, 2L से लेकर 3L तक प्रेजेंट है। बस इसी बात को लिख देना, 2L से लेकर 3L तक प्रेजेंट है, इसी बात को अपने को लिख देना है। तो इसी बात को अगर लिख देना है, यानी कि बी ओमेगा बाई 2, इधर आया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आया 2L और इधर आया 3L। तो इसको ईएमएफ को हम लोग और लिखें तो कितना लिख सकते हैं, बी ओमेगा बाई 2, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा आप, 9L स्क्वायर माइनस 4L स्क्वायर, यानी ये कितना आ जाएगा, 5L स्क्वायर। मतलब इसका जो आंसर बना कितना बना बेटा, 5/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये बना है इसका आंसर। इस सवाल को सिंप्लीफाई करो, इस सवाल में बोल रहा एक क्वाइल है जिसके पास दिया गया 500 स्क्वायर लूप, सबका साइड दे रखा है अपने पास, ठीक है, परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड जो कि इंक्रीज हो रहा है किसी रेट से, तो अपने को बताना है ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, ट्राई करो जल्दी। देख बेटा, अपने को पता है एक वायर हो अगर या एक लूप हो, उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा हो, तो अपने को पता है ईएमएफ इज इक्वल टू कितना हो जाता है, डी फ्लक्स बाय डीटी। अगर एन लूप हो तो एन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ईएमएफ। यहाँ पे एरिया में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी एन इंटू एरिया इंटू डीबी बाई डीटी, और वही दिया है डीबी बाई डीटी का। तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन की वैल्यू है 500, एरिया अपने पास कितना हो गया 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10^-1 मीटर लिख दिया मैंने का स्क्वायर, ये आ गया एरिया। डीबी बाई डीटी का वैल्यू है 1, तो ये ईएमएफ की वैल्यू कितना आ गया, 5, फोर्थ ऑप्शन। इस सवाल में देखो बेटा क्या बोल रहा अपने पास, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ स्टेशनरी लूप विथ रेसिस्टेंस आर वेरीज ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ टाइम टी, अस फ्लक्स का रिलेशन दिया है अपने पास। तो फ्लक्स इज इक्वल टू दिया है अपने पास ए इंटू स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी माइनस ए टी स्क्वायर, ये दिया है। Now the heat generated बोला है अपने पास, है ना, heat generated will be, सोचो heat generated कैसे आएगा बेटा, heat लाने के लिए हम लोगों को जब heat लाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, power into T करते या power into dT करेंगे, ठीक है। Power कैसे लाएंगे, power हम लोग EMF से ला सकते हैं, resistance कुछ पता नहीं है, resistance दिया है, हाँ R दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं पावर को ईएमएफ का स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं। और ईएमएफ कैसे ला सकते हैं हम लोग, ईएमएफ ला सकते हैं हम लोग
माइनस डी फाइव बाई डी टी से, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिया जाए तो सिर्फ प्लस डी फाइव बाई डी टी। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर दिया बेटा तो इसको डिफरेंशिएट करा तो ये कितना है ए टी माइनस माइनस ट्वाइस ए, ये आया अपने पास क्या फ्लक्स, ठीक है। चलो तो अब सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, वो स्टेप है अपने पास। तो पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर है, पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर है, ये है ई एम एफ, तो ई एम एफ का स्क्वायर अगर कर दें तो ये आया ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस प्लस फोर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर, फोर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस माइनस ट्वाइस इंटू ए इंटू ए, कितना हो जाएगा ट्वाइस इंटू ए टी माइनस ट्वाइस इंटू ए टी इंटू ट्वाइस ए टी। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो कितना लिख सकते हैं ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस माइनस फोर माइनस फोर ए स्क्वायर स्मॉल टी कैपिटल टी माइनस फोर ए स्क्वायर कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो ये अपने को यहां तक तो पता चल गया कि कैसे आएगा, इसके आगे अब हम लोग चलते हैं। तो पावर अपने को पता चल गया, अब डायरेक्टली हीट लिखते हैं, पावर डिवाइडेड बाय आर ही करना है और इंटीग्रेट कर देना है। तो हम लोग डायरेक्टली हीट लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू पावर इंटू डी टी, इंटीग्रेशन करना है, पावर अपने पास ईएमएफ का स्क्वायर अपॉन आर है तो वन बाय आर को मैं इधर लिख देता हूँ और हर जगह भी इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है ए स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू डी टी जीरो से लेकर कैपिटल टी प्लस यहां पर है फोर इंटू ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी जीरो से लेकर कैपिटल टी माइनस फोर इंटू ए स्क्वायर इंटू कैपिटल टी इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी जीरो से लेकर कैपिटल टी। अब इन सबको आप सिंप्लीफाई कर ले बेटा, इस सबको सिंप्लीफाई कर ले तो कितना आएगा वन बाई आर, वन बाई आर। देखो अब इसको इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करो, वैल्यूज रख दो तो देखो ए स्क्वायर टी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है ना, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाता, पुट कर दे तो वो आ गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू टी, ठीक है, पहले वाले का माइनस, ये नहीं यहाँ पे प्लस है, फोर इंटू ए स्क्वायर। अब देखो ये बन जाएगा क्या टी क्यूब बाई थ्री, तो इसको हम लोग लिखें तो टी थ्री बाई थ्री बन गया माइनस फोर इंटू ए स्क्वायर इंटू टी इंटू यहां पर बना क्या टी स्क्वायर बाई टू, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो स्मॉल टी स्क्वायर बाई टू आएगा, लिमिट रख देंगे तो ये आ जाएगा, यहां तक आ गया अपने पास। इसको और सिंप्लीफाई कर लो बेटा, देखो क्या क्या आ रहा, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर इंटू टी क्यूब को तो कॉमन ले लेते हैं आर, यहां पे आया अपने पास वन प्लस, यहां आया फोर बाई थ्री, यहां आया माइनस फोर बाई टू, तो इसको मैं लिख देता हूं टू, ठीक है। अब सब जगह एलसीएम ले लेना है अपने को, अपना काम हो जाएगा, एलसीएम लेना है। देखो बेटा एलसीएम के लिए क्या बोला, कई बार बच्चों को इसमें दिक्कत होता है तो बेस को बस कॉमन करते जाओ, तो यहां पर बेस को कॉमन कर दिया, अब देखो कितना आ गया, बेस को कॉमन कर दिया तो देखो यहां ऊपर आ गया छ, है ना, ऊपर आ रहा क्या माइनस छ इधर आ रहा और इधर आ रहा सात, सात माइनस छ कितना होगा एक, तो कितना आ जाएगा आंसर ए स्क्वायर टी क्यूब बाई थ्री इंटू आर। कौन सा ऑप्शन आया, पहला ऑप्शन आया, तो ये हो गया पहला ऑप्शन अपना आंसर। इस सवाल में देखो बेटा क्या कह रहा है, इस सवाल में अपने से बोल रहा कि एक फ्रेम है सी डी ई एफ placed in the region where magnetic field is present, यहाँ पे magnetic field present है, rod of length 1 meter, तो इस rod का length 1 meter के बराबर दिया है, move with velocity 20, तो इसका velocity दे दिया है 20 meter per second, and the strength of magnetic field is 1 tesla, तो यहाँ पर जो magnetic field है वो 1 tesla के बराबर है, 1 tesla के बराबर है। अच्छा, then the power spent
देन द पावर स्पेंड इन दिस प्रोसेस इज इक्वल टू, अच्छा द पावर स्पेंड इन दिस प्रोसेस इज इक्वल टू। अभी हम लोग देखे थे बेटा पावर से पहले, चलो फोर्स देख लेते हैं, या पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। फोर्स क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा था फोर्स होता है बी स्क्वायर वी इनटू एल स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। कहां से आया था ये कहां से आया था, याद करो फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल था, आई को हम लोग बी वी एल अपॉन आर लिखे थे, फिर हम लोग सिंप्लीफाई किए थे। तो पावर को अगर देखा जाए तो किसके बराबर है, बी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर है। यानी कि अब इस सब वैल्यूज को रख दो, बी की वैल्यू है 1, वी की वैल्यू है 20 इंटू 20, एल की वैल्यू है अपने पास, एल की वैल्यू है अपने पास 1 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.2। तो ये पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 2000 आ जाएगा, 2000 वैट के आसपास आएगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 किलो वैट लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका आंसर। चलो बेटा इस सवाल को देखो क्या बोल रहा है, इसमें बोला गया है अ सिंपल पेंडुलम विथ बॉब ऑफ मास m लेंथ l स्विंग्स अंडर ग्रेविटी थ्रू एन एंगल ऑफ 2 थीटा। मतलब यहां से यहां तक जो ये स्विम कर रहा है, यहां से यहां तक जो आ रहा है वो एंगल टोटल 2 थीटा के बराबर। अच्छा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना इंड्यूस होगा पेंडुलम के अक्रॉस वो अपने को बताना है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना इंड्यूस हो जाएगा इसमें। अच्छा तो अपने को क्या चाहिए बेटा, ईएमएफ इंड्यूस अभी हम लोग देखे अगर रोटेट कर रहा है तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब ओमेगा बी और एल तो गिवन है अपने पास, हाफ है ही, ओमेगा निकालना है। ठीक है ओमेगा निकालना, तो देखो बेटा ओमेगा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रोटेशनल एनर्जी कितना है अपने पास, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहां से ओमेगा आएगा, ये काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एमजीएच के बराबर, एमजीएच के बराबर। एच कितना है बेटा, यहां से एच, ये एच कितना है, एक्चुअली में देखा जाए तो ये एच है अपने पास, टोटल लेंथ यहां से यहां तक का एल है, यहां से यहां तक का लेंथ एल कॉस थीटा है, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई एल माइनस एल कॉस थीटा, एल माइनस एल कॉस थीटा, तो ये है एच। अब 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये लिख सकते हैं। तो चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आएगा, ये आ गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एल, या 2L लिख देते हैं, साइन थीटा बाय 2, cos 2 थीटा हमारे पास होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ साइन स्क्वायर होगा। यहां पर आ जाएगा अपने पास 1 माइनस, इसको कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल वो साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है और 2 थीटा को हम लोग एक्सपोर्ट करके निकाल लेते हैं। चलो तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, अब और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, हाफ आई को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एम जी एल साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या क्या कैंसल आउट होगा, एक एल एम एम कैंसल आउट हो जाएगा, तो अपने पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, अपने पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको जरा सा आप सिंप्लीफाई करें तो देखेंगे कि ओमेगा की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर 2 आ रहा है ना, यहाँ आ जा रहा है अपने पास अंडर रूट ऑफ जी बाई एल आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास साइन थीटा बाय 2 अंडर रूट जब लेने के बाद, तो ओमेगा आ गया। सिंप्लीफाई करिए, देखिए स्क्वायर रूट लीजिए तो आपको दिखेगा कि ओमेगा आ रहा। अब जैसे ही ओमेगा आ गया बेटा, जैसे ही ओमेगा आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ईएमएफ लिख सकते हैं, ईएमएफ लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख देंगे ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ बी इंटू ओमेगा की जगह पे लिख देंगे हम लोग टू इंटू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल साइन थीटा बाई टू इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक एल से एक एल इधर कट जाएगा, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो ये आ गया हाफ बी इंटू, देखो बेटा एल स्क्वायर है ना, तो एल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एल इंटू एल, अब एल को नीचे वाला रूट एल कट जाएगा तो ये एल इंटू रूट एल बाकी रह जाएगा, तो बी एल को इधर रख दिया और दो से दो कट गया तो मैं दो को हटा ही देता हूं, दो को काट के हटा ही देता हूं। चलो तो अपने पास बी इंटू एल बाकी रह गया, यहां पे बाकी रह गया जी इंटू एल आ जाएगा अंडर रूट में, ये आ गया अपने पास साइन थीटा बाई टू, तो अपना हो गया ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, वापस से सुनो बेटा पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोगों ने क्या करा है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा कि देखा कि ईएमएफ निकालने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, वो होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर की जरूरत होती है, बी और एल पता था, ओमेगा निकालना था, तो अपने को क्या देखा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग लगा सकते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी जो कि यहाँ पर था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसको हम लोग क्या कर दिए एम जी एच के बराबर कर दिए, और एच के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, जो अपना हाइट है उसके जगह पे क्या लिख सकते हो, एल वन माइनस कॉस थीटा लिख सकते हो, जब ये बातें वहां पे लिखे, अब वन माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते, टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय टू लिख सकते, तो उसकी वैल्यू रखा, फिर सिंप्लीफाई करा और फाइनली जाकर हम लोग ईएमएफ की वैल्यू को निकाल पाए। ठीक है, देखो बेटा पहला सवाल क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन गिवन एज, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास दिया हुआ है 3i 4j एंड 5k, लेंथ 5 मीटर इज प्लेस्ड अलोंग y एक्सिस, तो l वेक्टर अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं आप, 5j कैप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या बोल रहा है, मूव विथ स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, तो v की वैल्यू कितनी दी गई है अलोंग x एक्सिस, तो 1i कैप। अब याद करो बेटा हम लोग जो EMF is equal to BVL लिखते हैं, BVL EMF is equal to BVL लिखते हैं, उसमें BVL तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो I मिल गया J मिल गया, तो तीसरा क्या होना चाहिए, K होना चाहिए, बस डायरेक्टली आप लॉजिकली इस सवाल को आराम से बना सकते हैं, मतलब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो 5 × 5 × 1 आ गया 25 अपना आंसर। सेकेंड सवाल को देखें और ट्राई करें, इसका मैं दो इसमें एक और सवाल दे देता हूं, तो सेकेंड सवाल में बोला है अपने पास यूनिफॉर्म रॉड ए बी है जिसका लेंथ एल है, पिवोटेड एट एंड ए, तो इस एंड पे इसे पिवोट करा गया है, मतलब इसके अबाउट ये फ्री टू रोटेट होगा, रोटेट करेगा एट कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा से रोटेट करने वाला है, राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, बी दिया हुआ अपने को, तो EMF induced between बोला है कहां से कहां तक, C से B के बीच, मैं बोल रहा हूं कि EMF C से B पे ही निकालिए और दूसरा एक और पॉइंट निकाल लीजिए A और C के बीच में, दोनों हम लोग निकाल कर देखेंगे, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। अपने को पता है कि अगर EMF मोशनल EMF निकालना है तो उसका रिलेशन क्या था, याद करो रोटेशन जब हम लोग स्टार्ट करे थे, रोटेशनल EMF जब हम लोग निकाल रहे थे तो हम लोग लिखे थे बी v के जगह पे ओमेगा इंटू एक्स और dx, फिर उसको इंटीग्रेट करे थे, तो हम लोग उसी बात को अगर यहाँ पर लिख दें, पेन किधर है दोस्त, हाँ यहाँ पे, तो उसी बात को लिख दें हम लोग, तो b ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx ये है अपने पास। अगर मैं पहला केस ले रहा हूं तो कहां से कहां तक है, c से लेकर b तक जाना है, यानी l बाई टू से लेकर l तक जाना है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, EMF को लिखे b ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो टू को मैं बाहर रख देता हूं, यहां पे आप लिख सकते हैं कितना, अरे तो यहां पे आप लिख सकते हैं, इसको नीचे लिखता हूं, EMF इज इक्वल टू बी ओमेगा बाय टू, यहां पे हम लोग उसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, तो और सिंप्लीफाई करें तो EMF आ गया
जो अपना इस केस का है 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 3 बाई 8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये अपना फर्स्ट केस के। सेकेंड केस जो हम लोगों ने बोला कि कहां से जीरो से लेकर ए से सी के बीच में भी निकाल लीजिए, तो बस लिमिट चेंज हो जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू आया बी ओमेगा इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स, कहां से कहां तक लिमिट रखना इस बार जीरो से लेकर एल बाय टू तक, है ना, जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा केस इसके लिए निकाला था। तो इंटीग्रेशन करके रख दो बी ओमेगा स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर रहता वहां पर क्या लिख देना आपने को एल स्क्वायर बाय टू, यानी आया एल स्क्वायर बाय फोर, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा बी ओमेगा एक सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर नहीं है, बी भाई खुल जाओ, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका सेकेंड केस का आंसर, ये हो गया दोनों सवाल का आंसर। तो हम लोग बात करने वाले हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है बेटा, कैसे डेवलप हुआ, इस बात पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था, मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड था, और हम लोगों ने कोई एक लूप इसके रख दिया, तो मान लो एक लूप को यहाँ पर रख दिया था, तो मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पर हम लोगों ने लूप को रख दिया। अच्छा, अगर लूप को हम लोगों ने रखा है और इसका फ्लक्स हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो आइदर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा घटा रहे होंगे, जो भी तरीके से मान लो हम लोग फ्लक्स चेंज कर रहे हैं ना, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग मान लो मैग्नेटिक फील्ड को ही कर रहे हैं फिलहाल समझने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें अपने को पता है क्या फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा बेटा, जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा वैसे ही ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, कौन सा डायरेक्शन बाद में देखा जाएगा, और डायरेक्शन अब हम लोग जानते हैं लेंज़ लॉ से, बहुत सवाल कर चुके, तो वैसे ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगेगा। अब ईएमएफ आया मतलब पोटेंशियल आया, और जैसे ही पोटेंशियल आया वैसे ही क्या हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, है ना, ईएमएफ आया रेसिस्टेंस भी है तो करंट भी फ्लो करेगा, दूसरा लॉजिक से समझ लो, करंट भी फ्लो करेगा, करंट फ्लो कर रहा मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तभी उस पर फोर्स लगेगा, तभी वो मूव कर रहा होगा। यानी कि क्या देखे बेटा, कि अगर मान लो इस सर्किट में इधर करंट है, इधर करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट मान लो उधर की तरफ, हम लोग करंट को पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ही मानते हैं, तो मान लिया है ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहां से हम लोग समझते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्की बात है कि होगा, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल था, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, या चार्जेस फ्लो कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है कि बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, पहले आया पोटेंशियल आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, मतलब बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स वी, और अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिख देते ज्यादा अच्छा सेंटेंस बनेगा, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ये तो बहुत भयंकर बात होगी बेटा, क्या हुआ सोचो, ईएमएफ अपने पास क्या था, ईएमएफ था माइनस डी फाई बाई डी, अपने को पता है ईएमएफ या पोटेंशियल अगर पता होता है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं डीवी बाई डीएल होता है, यानी कि
आप ईएमएफ या पोटेंशियल को ईडीएल लिख सकते थे, यानी यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएल ईडीएल इज इक्वल टू, या डॉट प्रोडक्ट इसका, ईडीएल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बात करते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज है उस बात को हम लोग जरा समझते हैं आराम से। आइए देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज से प्रोड्यूस हुआ? नहीं, ये तो चार्ज से आया ही नहीं है, ये किसके कारण आया, फ्लक्स में चेंज होने के कारण आया है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी उस बात को लिख देते हैं कि दीज फील्ड लाइंस या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट क्रिएटेड बाय सोर्स चार्ज। दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट क्रिएटेड बाय सोर्स चार्ज, तो किससे आया है, these are produced by changing magnetic field। ठीक है, अच्छा याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें लिखे थे कि वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है। बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नहीं है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, है ना, तो ये क्लोज लूप बनाएगा। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि दीज लाइन विल फॉर्म अ क्लोज लूप, these line will form close loop, these line will form close loop। ठीक है, अच्छा next, याद करो electrostatic जो field lines थी वो conservative in nature थी, है ना, but ये non conservative in nature है, तो इसको भी लिख सकते हैं आप, these electric field या induced electric field are non conservative in nature, ये nature में non conservative, ठीक है, इस सवाल को पढ़ो क्या बोल रहा, there exists a uniform magnetic field in the circular region of radius r, ठीक है, सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r, centered at o, the field is perpendicular to and out of the plane of the paper, तो फील्ड परपेंडिकुलर है और आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ वैरी कर रहा बी नॉट इनटू टाइम से, तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड बताना है आर फ्रॉम द सेंटर। अब देखो ये सवाल बहुत पूछा जाएगा, बहुत बार सवाल ये पूछा जाएगा और काफी जगह पूछा गया है, ये जेई में भी पूछा हुआ है, स्कूल बोर्ड्स में भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है,
इस सवाल को हम लोग समझते हैं पहले कि क्या कहा गया है, अंग्रेजी को समझने का कोशिश करते हैं कि अपने पास एक पहले रिंग दे दिया गया, अब इस रिंग का रेडियस है कुछ आर, आर मैग्नेटिक फील्ड अपने पास प्रेजेंट है जिसका कुछ फॉर्म दिया हुआ बी इज इक्वल टू बी नॉट इनटू टाइम के साथ वेरी कर। अच्छा, तो अपने को बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड कितना होगा, ये अपने को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड कितना होगा ये बताना। तो चलो पहला केस लेते हैं। फर्स्ट केस बोला है जब स्मॉल आर इज लेसर देन, पहले हम लोग कैपिटल बना लेते हैं, सेकंड केस पहले बना लेते हैं, ज्यादा आसान है, एक बार फील आएगा तो ज्यादा आसान लगेगा। तो कैपिटल आर को मैंने या स्मॉल आर को कैपिटल आर से बाहर बनाया है, यहां पर बनाया है, ठीक है, यहां पे बनाया, तो ये है अपने पास स्मॉल आर, ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पे हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर एक लूप बना लिया हम लोगों ने, एक लूप बना लिया। तो याद करो बेटा क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। और फ्लक्स क्या है बेटा वो लिख लो, तो फ्लक्स अपने पास B इंटू ए, तो ये है B इंटू ए, एरिया है पाई आर स्क्वायर, एरिया है अपने पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, आओ तो बाहर वाला निकाल रहे ना, हाँ, तो फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एल, इंटू डी एल, तो डी एल की वैल्यू कितनी होगी, टू पाई इंटू स्मॉल आर, ये वाला जो बाहर वाला बना होगा ये स्मॉल आर वाला, इज इक्वल टू माइनस, माइनस तो मैग्नीट्यूड है हटा देते हैं, कोई बात नहीं अपने पास। एरिया किसका लेंगे बेटा हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वैरी कर रहा है इस वाले में, जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो एक्चुअली में तो यहाँ पर चेंज हो रहा था, अंदर चेंज हो रहा था, तो एरिया है अपने पास पाई इंटू आर स्क्वायर, जिसको कांस्टेंट था मैंने बाहर निकाल दिया, है ना। और यहां पर क्या आया अपने पास डी बाई डी टी, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी नॉट इंटू टी, बी नॉट कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डी टी डी टी हो गया वन, तो ये आया ई एम एफ इंटू टू पाई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना आया बेटा, बी नॉट इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, पाई पाई चला गया, ये आया बी नॉट इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू स्मॉल आर, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, ये आया, ठीक है। ये कौन सा, सेकेंड केस का हम लोगों ने पहले निकाला, फर्स्ट केस का भी निकालते हैं, तो यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए आप। देखो सेकेंड पार्ट में जो बोला है क्या कि स्मॉल आर लेसर देन कैपिटल आर है, मतलब अंदर में लूप बनाया है, अंदर में लूप बनाना है इस पर अपने, ये है स्मॉल आर, अंदर में बनाना है लूप, यानी कि फिर से अगर हम लोग लिखें तो अपने पास E डॉट डी एल किसके बराबर है, इज इक्वल टू माइनस, या फिर डायरेक्टली लिखता मैग्नेट्यूड डी फाइव बाई डी टी के बराबर है। E डीएल के जगह पे क्या लिखते हैं, टू पाई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू फ्लक्स क्या है, बी इंटू एरिया, फ्लक्स को अगर देखा जाए तो वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, और एरिया अभी कौन सा लेंगे, जिस पोर्शन में आप चेक कर रहे, मतलब छोटा वाला एरिया, यानी ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, तो इस बात को लिखते हैं यहां पर, पाई इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू, अब देखो बेटा बी नॉट कॉन्स्टेंट था मैग्नेटिक फील्ड में, निकल गया ये बचा डी टी, पाई पाई कैंसल आउट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग देखें आर से एक आर कैंसल आउट हो गया, तो ई की वैल्यू को अगर आप देखें तो ये किसके बराबर आया है, ये बराबर आया है बी नॉट इंटू आर अपॉन टू के बराबर आया है, B not upon R into 2 के बराबर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, हम लोग मैग्नीट्यूड नहीं लिए हैं सब जगह, नहीं तो माइनस होता। अच्छा, यानी कि अगर
कभी अपने से ग्राफ निकालने बोले कि ग्राफ बताओ बेटा इस केस के लिए, जो कि कई बार सवाल बन के आ रहा है कि ग्राफ बनाइए, तो ये अपने पास स्मॉल आर है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सबसे पहले जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं होता है तो कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद कैसे प्रोपोर्शनल था, जो पिछला केस किए थे हम लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पे 1/(1/R) है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। ये है अपने पास इसका आंसर। आया समझ में?